सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपरी जिला रायपुर मध्ये अहम पदस्थोस् अद वह क्रिया कारक क्रियाकुतूहल प्यारे बच्चों आप संस्कृत के विषय में जानते हैं संस्कृत में या किसी भी भाषा में कर्ता और क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है कर्ता और क्रिया के योग से वाक्य का निर्माण होता है संस्कृत में कर्तानुसारेण क्रिया भवती अर्थात कर्ता के अनुसार से क्रिया का रूप होता है जैसा कर्ता होगा जिस पुरुष का कर्ता होगा उसके अनुरूप जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसके अनुरूप क्रिया का रूप निर्धारित होता है कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का प्रयुक्त होता है इसी तरह से पुरुष यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया का रूप भी उत्तम पुरुष का प्रयुक्त होता है संस्कृत स्थान प्रधान भाषा नहीं है अर्थात इसमें किसी भी पद को किसी भी स्थान पर रख देने में वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं आता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो वाक शब्द होते हैं वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे पद कहलाते हैं और पदों का जो स्वरूप होता है वह इसमें सुनिश्चित होता है क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र कहा जाता है सुपतिगंतम पदम अर्थात संस्कृत में जितने भी शब्द या पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे किसी न किसी प्रत्यय से युक्त होते हैं और प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं वे जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद का रूप धारण कर लेते हैं और चूँकि प्रत्ययों के साथ इनका योग होता है इसलिए इनका अर्थ सुनिश्चित होता है ऐसी स्थिति में शब्दों को या पदों को पदों के स्थान को परिवर्तन कर देने पर भी वाक्य के अर्थ में अंतर नहीं आता है तो आप सभी जानते हैं कर्ता के बारे में जानते हैं और क्रिया के विषय में जानते हैं क्रिया जिसको कहते हैं उसी को संस्कृत में हम धातु कहते हैं तो इन धातुओं के विभिन्न रूप होते हैं जो लकारों में चलते हैं अर्थात जिसको हम काल कहते हैं उन्हीं को संस्कृत में लकार कहा जाता है तो संस्कृत में सामान्य रूप से पांच लकारों का उल्लेख किया जाता है आधुनिक संस्कृत में लट लकार अर्थात वर्तमान काल लिट लकार अर्थात काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल लोट लकार लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक और विधि लिंग लकार यह होता है प्रार्थनार्थक या विधिवाचक तो ये विभिन्न लकारों की व्यवस्था है अर्थात ये जो धातु के रूप बनते हैं वो इन लकारों में बनते हैं इनमें ये जो लकार होते हैं या क्रिया के जो रूप होते हैं विभिन्न पुरुषों एवं विभिन्न वचनों में होते हैं तो संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसी तरह से तीन वचनों की व्यवस्था है एक वचन द्विवचन और बहुवचन तो पूरे पांचों लकारों में लट लिट लंग लोट और विधि लिंग इन पांचों लकारों में जो रूप बनते हैं वे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बनते हैं और सभी पुरुषों में एक वचन द्विवचन बहुवचन में इनके रूप बनते हैं अर्थात एक धातु के पांच लकारों में और तीन पुरुष और तीन वचन तो इस तरह से आप गणना करें तो एक धातु के पांच तिया पंद्रह पंद्रह तिया पैंतालीस पैंतालीस रूप एक धातु के बनते हैं इन पांच लगारों के आधार पर और यदि कोई धातु उभय पदी है तब की स्थिति में हाँ उभय पदी कह रहे हैं तो ये कहाँ से आया संस्कृत में जो धातुएं हैं वे परस्मय पदी एवं आत्मने पदों में इनको विभक्त किया गया है कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका रूप परस्मय पद और आत्मने पद दोनों में चलता है ये धातुएं उभयपदी धातुएं कहलाती हैं तो ऐसी धातुओं में परस्मय पद के 45 रूप और आत्मने पद के 45 रूप इस तरह से कुल 90 रूप इनके बनते हैं ये एक धातु की बात हुई तो इसी तरह से संस्कृत में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के भी रूप बनते हैं जो शब्द रूप होते हैं आप जानते हैं प्रथमा से लेकर संबोधन तक और ये जो विभक्तियां होती हैं ये सभी जो हैं विभिन्न कारकों पर आधारित होती हैं आप जानते हैं संस्कृत में कारक छह होते हैं संबंध को यहां कारक नहीं माना जाता है लेकिन हाँ जब विभक्तियों की चर्चा करें तब वहां हम ष्ठी विभक्ति संबंध कारक के रूप में अर्थात उसकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं तो कारक जो होते हैं और कारक के चिन्ह होते हैं अर्थात कारकों के साथ प्रयुक्त तो होने वाले जो शब्द विशेष हैं इन्हें चिन्ह के नाम से जाना जाता है आप जानते हैं संस्कृत में छह कारक हैं विभक्तियां जानते हैं प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति और संबोधन ये संज्ञा रूप में बनते हैं सर्व सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता है उनमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां होती हैं तो हम कारकों की बात करते हैं तो कारक जो होते हैं जैसे प्रथम विभक्ति जिसको कहते हैं इन्हें कहा जाता है कर्ता, और इसके साथ में चिन्ह जो लगता है वो है ने कर्ता ने द्वितीय विभक्ति कहा जाता है कर्म कर्म को तृतीय विभक्ति कहा जाता है करण करण अर्थात साधन से और के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है चतुर्थी व्यक्ति कहा जाता है संप्रदान संप्रदान इसका चिन्ह है के लिए अपादान पंचमी व्यक्ति कहा जाता है और इसका चिन्ह है से कब अलग होने के अर्थ में अलग या पृथक होने के अर्थ में फिर संबंध ष्ठवी व्यक्ति कहा जाता है संबंध और यहां जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे हैं का के, की, रा रे, री। सप्तमी विभक्ति कहा जाता है अधिकरण यहाँ मे पे पर इनका प्रयोग किया जाता है और संबोधन यहाँ हे अरे अहो इस तरह के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो आप सभी जानते हैं पहले से कर्ता ने देखिए कर्ता और उसके कारक चिन्ह जो हैं कारक और कारक चिन्हों को एक सरल तरीके से आप जानते हैं आ, एक तरीका ये भी हो सकता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे अहो तो इस तरह से विभिन्न कारकों के बारे में आप जानते हैं विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानते हैं तो क्रिया कारक कुतूहलम इस पाठ में हम देखेंगे किस तरह से क्रिया और कारक के माध्यम से एक उत्सुकता की बात कही गई है अर्थात विभिन्न श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में क्रिया और कारक के रूप जो हैं दिए हुए हैं विभिन्न श्लोकों में प्रयुक्त हुए हैं कैसे हैं उसको हम इस पाठ में जानेंगे तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय और विभिन्न श्लोकों को सुनते हैं पाठ परिचय वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रिया पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है आरंभ के सात श्लोकों में क्रमशः सातों कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम पांच श्लोकों के माध्यम से पांचों लकारों का बोध कराया गया है उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि ती पर आक्रमह यत्र वर्तन्ते तत्र देवह सहायकृत विनयो वंश माख्याति देश माख्याति भासितम संभ्रम स्नेह माख्याति वपूराख्याति मृगा मृग संगमन व्रजा गावस्तुरंगास्तुंग मूर्खाश्च मूर्ख सुध सुनशील व्यसने सख्यम विद्या धनं धनमदा शक्ति परेशा परिपीडनाय खल से साधोर्विपरीत में रक्षा क्रोधा भवती सोह सोहामृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिर्नाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् सैले सैले न माणिक्यम् मोक्तिकम् गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने पापान् निवार्यति योजयते हिताय गुह्यं निगुहति गुणाना प्रकटी करोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले स मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः निन्दन्त निंदंतु नीति निपुणा गुणा यदि स्तवंतु निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यै वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीराह अपठद् योऽखिलाः विद्याः कलाः सर्वाः अशिक्षत् अजानात् सकलं वैद्यं स वै योग्यतमो नरः दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् रात्रिर्गम्यति भविष्य सुप्रभात भास्वान्देश्य हसीष्यति पंकजृह इतम द्विरेफे हा हंत, हंत नलि गज उज्जहार ये इस पाठ के बारह श्लोक हैं आइए इन श्लोकों के शब्दार्थ भावार्थ आदि को समझते हैं प्यारे बच्चों अभी हमने इस पाठ के विषय में जाना और पाठ में दिए हुए विभिन्न श्लोकों का श्रवण किया आइए अब हम इस पाठ के जो श्लोक हैं उनको क्रमशः समझते जाते हैं तो पहला श्लोक है उद्यम शक्ति पराक्रम सडेते वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत ये पहला श्लोक है आप देख रहे हैं शब्दार्थ आपको समझ में आता है जैसे उद्यम कहा गया है उद्यम का मतलब होता है उद्यम या उद्योग परिश्रम साहसम साहस धैर्य धैर्य बुद्धि बुद्धि शक्ति शक्ति पराक्रम पराक्रम सजयते इति एजयते और मतलब षड मतलब छ एते मतलब ये यत्र अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है जहाँ वर्तन्ते यह क्रियापद है वृत्त धातु है आत्मने पद का रूप है लटलकार प्रथम पुरुष का रूप यहां पर प्रयुक्त हुआ है बहुवचन में लटलकार प्रथम पुरुष में वृत्त धातु का रूप होता है वर्तते वर्तेते, वर्तन्ते। आप यहां देख रहे हैं वर्तन्ते इस रूप का प्रयोग हुआ है अवृत्त का मतलब होता है होना तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप प्रयुक्त तो हुआ है वर्तन ते इसका तात्पर्य हुआ होते हैं तत्र यह अव्ययपद है इसका अर्थ होता है वहां देव मतलब देवता या भाग्य सहायकृत सहायक होते हैं ये कहा गया है तो ये इस श्लोक में जो शब्द आए हैं इनके शब्दार्थ हुए आइए इसके आधार पर हम इसके अर्थ को समझते हैं बहुत ही सरल है आप देख रहे हैं इस पद में या इस श्लोक में अधिकांश पद जो है कर्ता पद प्रयुक्त हुए हैं जैसे उद्यम ये पद है साहसम ये पद है कर्ता पद मतलब प्रथम विभक्ति का यह रूप है उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम इन सभी ये जो प्रथम पंक्ति में जो छह शब्द आए हैं ये सभी शब्द कैसे हैं ये प्रथमा विभक्ति वाले हैं अर्थात ये सभी कर्ता पद हैं तो कर्ता कारक को जानने का पहचानने का यह एक सरल साधन श्लोक के रूप में हमारे सामने है तो सजाते यत्र वर्तन्ते कौन कौन ये छ कौन कौन से छ उद्योग या उद्यम साहस धैर्य धैर्य मतलब धीरता बुद्धि शक्ति पराक्रम उद्योग साहस धीरता बुद्धि शक्ति और पराक्रम ये यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं अर्थात ये जहां जहां होते हैं तत्र देव सहायकृत वहां देवता भी सहायक होते हैं या भाग्य भी सहायक होता है ये इस श्लोक का तात्पर्य हुआ प्यारे बच्चों विभिन्न परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कभी आपको श्लोक का अर्थ पूछा जाए या हो सकता है कभी श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जैसे इस श्लोक में कर्ता पद कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं अस्लोके के के कर्ता संति सदृशी एक प्रश्न भविष्य तरह भविष्य श्लोके कर्ता पदा ही, सकती उद्यम साहस धर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम हाँ इसी तरह से परिश्रम अर्थे अस्वीन अर्थबोधक शब्द श्लोके किम प्रयुक्तम अस्ति अर्थात परिश्रम इस अर्थ को बोधित करने वाले कौन से शब्द का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है तब उत्तर क्या होगा परिश्रम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द है उद्यम ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है भाग्यम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ट श्लोके कह पद तो उत्तर होगा भाग्यम इसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ पद है देव इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है अस्मिन श्लोके क्रियापदम किम प्रयुक्तम इस श्लोक में क्रियापद कौन सा प्रयुक्त हुआ है तब आप देखते हैं पूरे श्लोक में केवल एक क्रियापद का प्रयोग हुआ है कौन सा क्रिया है हां बिल्कुल सही वर्तन्ते इसका तात्पर्य क्या होता है वर्तन्ते इति पदस्य शब्दार्थम लिखत तब क्या होगा तब कहेंगे हाँ होते हैं वृत्त धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप हां कभी आपको क्रिया का रूप भी पहचानने के लिए पूछा जा सकता है इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है अस्विन श्लोके अव्यय पदम किम किम अस्ति उत्तर क्या होगा प्रश्न क्या कहा कि इस श्लोक में प्रयुक्त अव्यय पद कौन कौन सा है तो हम देखते हैं इस श्लोक में दो अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है अव्यय पद हैं यत्र और तत्र यत्र का मतलब होता है जहां और तत्र का मतलब होता है वहां तो ये दोनों अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है तो प्यारे बच्चों इस तरह के विभिन्न प्रश्न श्लोक से संबंधित पूछे जा सकते हैं इनके लिए हमें तैयार रहना है इनको जानना और समझना है तभी हम भली भांति इसका इन श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक है विनयो देशमाख्याति देशमाख्यातिभाषित संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपूराख्याति भोजनम् इस श्लोक में कर्म कारक की प्रधानता है कर्म कारक पर आधारित विभिन्न पदों का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है कौन कौन से पद हैं जो कर्म कारक पर आधारित हैं? जैसे आप देखते हैं वन सम, फिर दे सम, फिर स्नेहम भोजनम ये पद जो है कर्मकारक पर आधारित अर्थात द्वितीय विभक्ति का यहां प्रयोग इन पदों में प्रयोग हुआ है श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं विनयो विनयो वंशमाख्यात यहां पर संधि ध्यान दीजिएगा संधि को अलग करेंगे तो विनयो जो रूप दिख रहा है विनय धन वंश माख्या पूरा जो पद है इतना विनयो वंश माख्या यह संधि युक्त पद है इसको संधि अलग करेंगे विनय धन वंशम धन आख्याति इस तरह से आप यहां इनके संधि को अलग करेंगे तो विनय विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ यहां वंशम आख्याति यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ और कभी कभी कुछ लोग इसको संयोग भी कहते हैं अर्थात संधि नहीं है यहां संयोग है यह कहा जाता है यदि हम संधि कहते हैं तो व्यंजन संधि अन्यथा संयोग यहां भी संधिख्या इस तरह से दोनों पदों को अलग अलग कर सकते हैं स्नेह आख्याति स्नेह धन आख्याति इस तरह पद को अलग कर सकते हैं आख्याति इस पद को अलग करना है तब क्या होगा यहां पर संधि है संधि को अलग कर दीजिए वपुह धन आख्याति विसर्व संधि का प्रयोग हुआ पदों के अर्थ देखते हैं विनय अर्थात विनय या विनम्रता वंशम वंश को आख्याति अभिव्यक्त कर देता है या बता देता है या प्रसिद्ध कर देता है नाम कर देता है देशम देश को आख्याति बता देता है भाषितम भाषित ये हाँ ये भाषितम पद कैसे बना भाष धातु है तब प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इस तरह से यह रूप बन जाता है भाषितम संभ्रम मतलब उद्वेग स्नेहम स्नेह को आख्याति बता देता है वपुह वपुह का मतलब होता है शरीर आख्याति देखिए आख्याति यह क्रियापद का बार बार प्रयोग हुआ है और इसी तरह से भोजनम भोजन तो ये श्लोक के श्लोक में प्रयुक्त विभिन्न पदों के अर्थ हम समझ गए अब इसके आधार पर इसका अर्थ क्या होगा विनयो वंशमाख्याति विनय या विनम्रता वंश को अर्थात हम जिस तरह से बोलते हैं उसके आधार पर हमारा कुल क्या है हमारा वंश क्या है हमारे संस्कार क्या है यह पता चलता है इसलिए लिखा है विनयो आख्याति विनम्रता जो है हमारे वंश को बताता है भाषितम और जिस तरह से हम बोलते हैं जिस तरह से हम वाक व्यवहार करते हैं इससे हमारा हम कौन से स्थान से हैं वो स्थान जो है हमारी बोली से पता चलता है जैसे आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा चार कोस में बदले पानी आठ कोस में वानी अर्थात जिस तरह से पानी और वाणी जो है ये स्थान यदि हम परिवर्तन करते हैं कुछ दूर परिवर्तन करते हैं उसके आधार पर हमारे पानी बदल जाता है और इसी तरह से हमारी वाणी बदल जाती है तो इस तरह से देशम आख्यातिभाषितम हमारी जो बोली है हमारी जो वाणी है ये हम कहाँ से हैं कौन से संस्कृति वाले हैं इसको अभिव्यक्त कर देता है संभ्रम स्नेह आख्याति और उद्वेग की अवस्था में यह हमारे स्नेह को अर्थात हमारा जो प्रेम है हमारा जो लगाव है इसको बताता है कब जब हम उतावलेपन की स्थिति में होते हैं तब वपुराख्याति भोजनम और किसी व्यक्ति के शरीर को व्यक्ति के शरीर को देखकर उसका भोजन कैसा है जैसे कहा जाता है भोजन के विषय में जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर उस व्यक्ति के भोजन का पता चलता है तो पूरा श्लोक का अर्थ एक बार हम देखते हैं वंश वन्स, विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमह स्नेहमाख्याति वपूराख्याति भोजनम विनय जो है वंश को बोली देश को और उद्वेग स्नेह को शरीर भोजन को अभिव्यक्त कर देता है यह इसका अर्थ हुआ इस श्लोक से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे अस्मिन वंशमाख्या हिंदी अर्थम लिखत इसका हिंदी अर्थ लिखो ऐसा कहा जा सकता है आप लिख सकते हैं ना हां क्या होगा बिल्कुल सही विनय जो है वंश को बता देता है या अभव्यक्त कर देता है इसी अंश से संबंधित प्रश्न विनय अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्त क्रिया विनय वंशमाख्या विनयो प्रयुक्तक्रियापद अस्मिन् वाक्ये कर्म पदम किमस्ति ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है या विनम्रता इति पर्याय पदम पर्यायपद अस्लोक पदम प्रयुक्त तब उत्तर क्या देंगे उत्तर होगा विनयो वंशमाख्याति अस्मिन् पदे विनयः कर्ता पदम वंशमाख्याति अस्मिन् वाक्ये आख्याति इति क्रिया विनयो क्रियापदमस्थ अस्मिन् वंश्या अस्क्यांशे कर्म पदमस्ति विनम्रता विनयः इति पदम् पदम श्लोके पदम प्रयुक्तम् अर्थात विनम्रता के अर्थ में प्रयुक्त पद विनय है शरीरम इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। शरीर के अर्थ में प्रयुक्त इस श्लोक में कौन सा पद है उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही वपुह वपुह अर्थात शरीर तो वपुह इति पदम शरीरं, पदस्य पदस रूपेण अस्लोके प्रयुक्त प्रयुक्तमस्ति ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं संस्कृत में देना हो तो प्यारे बच्चों इस श्लोक को हमने भली भांति समझ लिया चलिए आगे बढ़ते हैं मृगा भ्रिगा, गावश्च गोभिस्तुर गाविस्तुंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधि सुधिभि समानशील व्यसने सुसख्यम इस श्लोक में करण कारक की प्रधानता है विभिन्न पद करण कारक से संबंधित हैं जो इस श्लोक में प्रयुक्त तो हुए हैं वे कौन कौन से पद हैं जो करण कारक से संबंधित हैं वे पद हैं मृगै गोभी सूधी भी ये है। ये पद जो हैं करण कारक से संबंधित हैं इन सभी पदों में जैसे मृगै कह रहे हैं यहां मृग मूल शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है इसी तरह से है, गो, गो मूल शब्द है और तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहां भी हुआ है तुरंगई है तुरंग मूल शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन का यहां पर प्रयोग हुआ है मूर्खई मूर्ख मूल मूर्ख शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहां हुआ है सुधी भी है, सुधि यह मूल शब्द है यहां भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो इन सभी पदों में मृगई है गोभी है तुरंगई है मूर्खई है इन पदों में तृतीय भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है अर्थात ये सभी पद कैसे हैं तृतीय भक्ति अर्थात करण कारक वाले पद हैं मृगाह मृगाह का तात्पर्य होता है मृग या हिरण केवल देखिए मृगाह कहा गया है बहुवचन में है इसलिए हिरण ये बहुवचन में अर्थ होगा मृग बहुवचन में इसका अर्थ होगा मृग मृगों से अर्थात हिरणों से हां यहां जो पद हैं उन पदों को जो कठिन पद हैं उन पदों को पहले अलग करते हैं संगम अनुव्रजंती शब्द को तोड़ेंगे हम तो संगम धन अनुव्रजंती यहां व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ इसी तरह से है गोभी धन तुरंगाह धन तुरंगई तो गोभी धन तुरगा यहां पर संधि का प्रयोग हुआ फिर दुर्गाधन धन तुरंगईह यहां पर भी विसर्गसंधि का प्रयोग हुआ है मूर्खाश्च मूर्खाधन संधि तो इस तरह से इस श्लोक में जो संधि युक्त पद आए हैं उन संधि युक्त पदों को हमने अलग किया और अब हम श्लोक में प्रयुक्त विभिन्न पदों के अर्थ देखते हैं मृगाह मतलब बहुत से हिरण मृगइ हिरणों से संगम अनुव्रजंती मतलब संगम मतलब साथ अनुव्रजंती मतलब पीछे जाते हैं गावश्च ये गो शब्द है और इसका बहुवचन का रूप है गाव अर्थात बहुत सी गायें गोभी गायों से तुरगाह अर्थात घोड़े तुरंगईह अर्थात घोड़ों से मूर्खाह बहुत से मूर्ख मूर्ख ही मूर्खों से यह बुद्धिमान लोग भी है बुद्धिमान लोगों से समानशील व्यसनेशु सख्यम अर्थात जो समान शील वाले होते हैं अर्थात एक समान आचरण करने वाले जो लोग होते हैं वे व्यसनेशु सख्यम अर्थात समान आचरण करने वाले लोगों के साथ में उनकी मित्रता होती है आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं मृगाः मृग संग मनोरजंती गावश्च गोभिस्तुरंगा तुरंग मूर्खाश्च मूर्ख सुधियः सुधि समान शील व्यसनेशु सख्यम अर्थ है समान स्वभाव एवं लगाव वश सहज मित्रता भाव से हिरण हिरणों के गाय गायों के घोड़े घोड़ों के मूर्ख मूर्खों के बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे भागते हैं अर्थ या उनका अनुसरण करते हैं यह श्लोक का अर्थ हुआ श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे मृगा मृगै संगम मनोरजंती यह वाक्य है अस्मिन वाक्य प्रयुक्त कर्ता पदम किम अस्ती ये प्रश्न है उत्तर क्या होगा मृगा मृगई संग मनोरजंती इस वाक्य में कर्ता पद क्या है प्रश्न पूछा गया है तो अच्छा इसी तरह से क्रियापद भी पूछा जा सकता है तो पहले कर्ता पद देखते हैं तो कर्ता पद क्या है कर्ता अनुसारण क्रिया भवती तो कर्ता हम देखते हैं क्या है मृगाह बहुत से मृग म्रीग। क्योंकि मृगई कहते हैं तो इसमें तो करण कारक लगा हुआ है आपको कर्ता की पहचान क्या होगी कर्ता की पहचान करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आप शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को देखिए उन शब्दों में से कौन से शब्द में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है जहां प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह पद जो है कर्ता कारक है तो यहां हम देखते हैं मृगाह मृगइ संग मनोव्रजंती ये तीन पद यहां पर हैं मृगाह मृगय संग मनोव्रजंती तो तीतः अंति का प्रयोग यह क्रियापद में होता है तो मृगई यहाँ पर तृतीय विभक्ति है मृगाह में मृगाह में देखते मृग मृगौ मृगाह अर्थात ये प्रथम विभक्ति का पद है इसलिए मृगाह मृगई संग मनोरजंती इस वाक्य में कर्ता पद है मृगाह ऐसे पूछा जा सकता है मृगाह मृगई संग मनोरजंती अस्वीन वाक्य प्रयुक्त क्रियापदम तो क्रियापद है अनुव्रजंती संग देखिए यहाँ पर मिला हुआ रूप था एक साथ संगम अनुव्रजंती ऐसा भी आप लिख सकते हैं या केवल अनुव्रजंती भी लिखेंगे तो भी सही है प्रश्न पूछा जा सकता है मृगा म्रिगा, मृगै संगम अव्रजंती अस्मिन वाक्य मृगाह इति पदस्य पर्याय पदम किम भविष्य तो मृगा इति पदस्य पर्याय पदम हिरणा भविष्य भविष्य इसी तरह से गाव गाव जो कहा गया है इसका पर्याय पद पूछा जा सकता है तो गावह का मतलब बहुत सी गायें गो गौ गाव, गाव ये रूप बनता है तो बहुवचन का रूप है तो इसका पर्याय क्या होगा गावह का पर्याय पद है धेनवह अस्वीन श्लोके प्रयुक्त अव्यय पदम इस लोक में जो अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है उसका चयन करना है तो अव्यय पद कौन सा ये आपको देखना है तो अव्यय पद आप जानते हैं अव्यय पद वे पद होते हैं जिनका स्वरूप सदैव एक सा होता है वो रूप बदलता नहीं है तो ऐसा पद इस श्लोक में अस्मिन श्लोके अव्यय पदम अस्ति च इस श्लोक में प्रयुक्त अव्यय पद है च मतलब होता है और इसका स्वरूप नहीं बदलता है